वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों, जो आज का आपके भाई का ब्लॉग रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपका भाई उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के एक मनवाल टाउन पड़ता है जो हिस्टोरिक मोनूमेंट्स के लिए बहुत ही फेमस है गाइस। सो आसपास की अगर ब्यूटी की बात करूँ तो यहाँ का जो दोस्तों क्लाइमेट है बहुत ही काम एंड पीसफुल है। सो अभी यहाँ पर एक एंशेंट टेम्पल है, उसका नाम है डेरा बाबुर। गाइस फाइनली हम मनवाल में एंटर कर चुके हैं। सो यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है, उसकी पूरी कवरेज करके आपको आपका व्यू दिखाएगा और लोकेशन भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। सो आसपास की अगर ब्यूटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है गाइस। सो यहाँ पे एक हिस्टोरिक मंदिर है, एंशियंट टेम्पल है डेरा बाबुर, उसका पूरी कवरेज करके आपको आपका व्यू दिखाएगा। सो चलते हैं मंदिर की तरफ, ब्लॉग में जुड़े रहे आप। और देख सकते हो यही वो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है ये डेरा बाबुर का। सो यहाँ से जो मंदिर के लिए रास्ते आता है इसकी पूरी कवरेज करके आपको दिखाएंगे। सो ये जो रास्ता ही आता है जम्मू की तरफ ऊपर जाता है ये उधमपुर की तरफ। सो गाइस ये जो रास्ता है वो सीधा टेम्पल की तरफ जाता है। हम रास्ते में या डेरा बाबुर के मंदिर में जा रहे हैं। सो यहाँ से मुझे लगता है एटलीस्ट 5 से 6 मिनट का रास्ता होगा गाइस। सामने अपना अभित भाई जा रहा है जो कि मेरे साथ खुद पार्क में गया था, और इसके मेरे चैनल का जो लिंक था हमने डिस्क्रिप्शन में डाला था गाइस। सो यहाँ से मंदिर की पूरी कवरेज करके आपको दिखाएंगे। आसपास की लोकेशन की बात करें तो बहुत ही कॉम प्लेस है, बहुत ही पीसफुल। सो फाइनली गाइस हमने एंटर कर चुके हैं, जी सामने देख रहे हो जो एंटर गेट है इस मंदिर का। सो आसपास के अगर व्यू की बात बोलो तो यहाँ पे थोड़ा सा गांव है, आसपास में थोड़े से घर भी है। दोस्तों मंदिर के जो बाहर वाला गेट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपको अंदर जाके पूरी कवरेज करके दिखाते हैं। सो यहाँ का जो मंदिर है इसकी बहुत ही मान्यता है, इसको पांडव मंदिर भी बोलते हैं, हालांकि इसका जो नाम है वो डेरा बाबुर है। सो गाइस अभी भाई अपने चैनल के लिए ब्लॉग शूट कर रहे हैं। सो यहाँ पे पूरा इन्होंने लिखा है कि क्या इसकी प्राचीनता है, और ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है गाइस यहाँ पे आसपास का। के बारे में पूरी इंस्ट्रक्शन इस बोर्ड पे आप सामने देख सकते हो, डेरा बाबुर टेम्पल है। इट इज़ ए लार्ज टेम्पल ऑफ मनवाल डेडिकेटेड टू शिव एंड फेसिस वेस्ट। इट इज़ बिल्ड ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म। ये जो टेम्पल है ये शिव भगवान को जिस समर्पित किया गया है गाइस। सो यहाँ पे पूरी ओवरऑल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। सो अब आपको आगे की कवरेज करके दिखाती है। अगर व्यू की बात करूँ तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू अभी हमें लग रहा है, क्योंकि अभी हमें एंटर भी करना है। आसपास के मौसम की बात करूँ तो बहुत ही काम मौसम है, बहुत ही हिस्टोरिक यहाँ की मोनूमेंट्स है गाइस। अभी हम जा रहे हैं जो यहाँ का मंदिर है मेन, उसकी तरफ जा रहे हैं गाइस, और अभित भाई अपना आगे पहुँच गया है। आसपास के अगर व्यू की बात करूँ तो बहुत ही पीसफुल यहाँ का व्यू है अगर बात करूँ मैं तो। सो दोस्तों जब भी आप रिलीजियस प्लेस पे आते हो बहुत ही यहाँ का जो मौसम होता है वो पीसफुल होता है और काम होता है गाइस। सो बहुत ही अच्छा यहाँ का जो व्यू है। तो ये सामने आपको दिख रहा है डेरा बाबुर का मंदिर। सो यहाँ पे एक छोटा सा कुआं भी है, उसकी पूरी कवरेज करके आपका भाई आपको दिखाएगा। मैं भी इस प्लेस पे पहली बार आया हूँ, मुझे इस प्लेस के बारे में कोई भी पता नहीं था। अभित भाई ने मेरे को रिकमेंड किया कि भाई चल हम वहाँ से ब्लॉग शूट करके आते हैं। सो भाई ने बोला तो मैंने बोला क्यों ना, ऐसे फ्री है। सो अभी आ जाते हैं। सो आसपास के अगर व्यू की बात करूँ आप खुद ही देख सकते हो ब्लॉग में दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट यहाँ का व्यू है। सो आसपास की अगर देखूँ मैं तो यहाँ पे एक छोटा सा कुआं भी है, छोटा नहीं ये बहुत बड़ा कुआं है, इसके नीचे थोड़ा सा पानी भी, क्योंकि जब पहले यहाँ पे किंग का रूलर वगैरह होते थे उस टाइम पे यहाँ से ही पानी वगैरह निकालते होंगे गांव वाले। सो अभी ये बंद पड़ा है ऊपर से इसको प्रोटेक्शन के लिए। तो गाइस अगर मंदिर की ब्यूटी की बात करूँ, अभी तो मैं फर्स्ट टाइम इस मंदिर में आया हूँ। सो बाहर की अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ तो आप ब्लॉग में देख सकते हो बहुत ही यहाँ पे हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है। जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो एक ग्रीक आर्ट है, बहुत ही एंशियंट ये टेम्पल है। मुझे लगता है 10 से 11 सेंचुरी में इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम मतलब शुरू हुआ होगा, और 13 सेंचुरी में एक एटलीस्ट ये कंप्लीट हुआ था। हालांकि मुझे इसकी जितनी भी हिस्ट्री है कोई भी पता नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में आ रहा हूँ। अगर मेरा पहले से प्लान होता तो मैं इसके बारे में डीपली स्टडी करके आता और अपने व्यूअर्स को भी बताता कि क्या है। अगर आसपास के व्यू की बात करूँ तो बहुत ही गजब का व्यू है। हालाँकि आज थोड़ा मानसून का सीज़न है, अचानक से मौसम साफ़ हो गया। सुबह यहाँ पर थोड़े बादल थे उधमपुर में, सो अभी यहाँ का मौसम साफ़ हो गया तो गर्मी बहुत है। सो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको पूरी कवरेज करके दिखाते हैं। सो जब भी आप मंदिर में जाइए तो इस मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ही अच्छी हैं। सो हमें पहले अपने जूते खोल देती हैं, क्योंकि मंदिर में आपको जैसे हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमेशा मंदिर में जब भी जाओ जूते बाहर ही खोलने चाहिए। खैर यहाँ पे बहुत ही काम प्लेस है, यहाँ पे इतना रश भी नहीं है, कोई भी नहीं हमें दिखा नहीं। यहाँ पे जो ये दूर दराज से लोग आते हैं वही यहाँ पे कवरेज करने आते होंगे, जो यहाँ के लोकल है उनके लिए तो ये आम बात होगी गाइस। सो सामने आप देख सकते हो ये जो आकृति बनी है पत्थर की गोल चक्कर सा, ये भी पहले का बना हुआ है। यहाँ पे एक छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी है पत्थर के ऊपर, बहुत ही अच्छा ये स्केच है। और ये इस मंदिर का दरबार है जो कि ऊपर से थोड़ा टूट गया, जो इसकी सीलिंग है रूफ है वो टूट गया, लेकिन जो दरबार है वो बच गया है। चलते हैं मंदिर की तरफ। फाइनली हमने मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। सो ये मंदिर है,
तो इसके आप पिलर देख सकते हो, ये मंदिर का जो छत था ये पिलर के बेसिस पे ये ऊपर इसका रूप खड़ा था। हालांकि आधा इसका जो रूफ है वो टूट चुका है। सो यहाँ पे अंदर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई है, जो जितने भी ये आर्किटेक्चर थे बहुत ही अच्छी इन्होंने कारीगरी करी है, क्योंकि उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। यहाँ पर ये मंदिर है आगे, ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आकृति है, मूर्ति है, बहुत ही ये फेमस मंदिर है। सो गाइस जब भी आप J&K में आते हो, विजिट करते हो, सो इस मंदिर में ज़रूर आए। मैं आपके साथ पूरी लोकेशन शेयर कर दूंगा। और हालांकि ये GPS गूगल मैप पे इस जगह की लोकेशन नहीं है, हालांकि मेरा जो अभित भाई है वो डाल देगा। सो आप जब भी जहाँ पर आए तो यहाँ पर आ सकते हो। ये जो पिलर है ये भी पत्थर के बने हैं, और आप इनकी खूबसूरती देख सकते हो कि इनका एक गज़ब ही यहाँ का इनका एक व्यू आ रहा है। जिस टाइम पर ये एटलीस्ट मंदिर बना था उस टाइम में इसको बनाने के लिए मुझे लगता है कम से एटलीस्ट 2 से 3 साल लगे होंगे। ऊपर अगर मैं ऊपर की तरफ अगर बात करूं, जो इसकी सीलिंग है ऊपर की तरफ कितना ही अच्छा गजब का यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो इन्होंने कारीगरों ने यहाँ पे अपनी कारीगरी दिखाई है वो लाजवाब जवाब है, क्या ही बोले दोस्तों इस कारीगरी की। सो यहाँ पे कोई भी लेंटर वगैरह ऊपर नहीं डालो, वो ये सारी पत्थर की कारीगरी है। उस टाइम पे ऐसे भी बेसिकली दोस्तों सीमेंट का मुझे लगता है इतना सोर्स नहीं होता था, ये सारा पत्थर से ही उन्होंने बनाया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या है गाइस। सो अंदर ये छोटे छोटे जो कमरे हैं, मुझे लगता है ये पहले यहाँ पे कोई मूर्तियाँ वगैरह होती होंगी, अभी तो देखा जाए तो खाली है बिल्कुल, छोटे छोटे रूम हैं। सो अंदर अंधेरा है काफ़ी, यहाँ पे लाइट का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है गाइस। ऐसे जो कमरे हैं 2 से 3 इस मंदिर में हैं, हालांकि हमें अभी तक यहाँ पे कोई भी भगवान की जो मूर्ति वगैरह कोई कुछ नहीं दिखी। ये छोटी सी आकार की एक पिंडी है, मुझे लगता है शिवलिंग होगा ये छोटा सा। अभी अभी मैं देख रहा था, मुझे एक चीज़ दिखी, क्योंकि आप सामने देख रहे होंगे जो पत्थर जो इस दीवार के पत्थर लगी है उनमें कुछ कोड सा डाला हुआ है, E1 E13। मुझे लगता है जिस टाइम पे ये इनोग्रेट कर रहे थे मंदिर, उस टाइम पे इन्होंने निशानी रखी होगी कि ये पत्थर उधर लगेगा, ये E5 उधर लगेगा। ये भी उस टाइम में एक टेक्नोलॉजी थी इनकी, साइंस थी, क्योंकि उस टाइम में ये साइंस थी इतनी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी का इतना कोई भी स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो कारीगर थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया और अच्छे से इनोग्रेट किया। अभी लगभग इसको 100 से 200 साल हो गए हैं इस टेम्पल को इनोग्रेट किए हुए, अभी भी ये टिका हुआ है। हालांकि अभी भी ये इमारत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन जैसे भी है अभी ये टिकी हुई है। थोड़ा सा इसका जो ऊपर से अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, थोड़ा सा इसका टूट गया है, लेकिन अभी ये आधे से ज़्यादा ये टिका हुआ है अपनी जगह पर तरफ। सो यहाँ का आप देख सकते हो ये मंदिर की दीवार है पीछे से, क्या ही यहाँ पे कलाकारी की है। जो भी यहाँ पे कारीगर थे, जो भी मिस्त्री थे, उन्होंने दीवारों पे एक अलग अलग टाइप के यहाँ पे मूर्तियों के जो स्केच बनाए हुए हैं। और सामने आप देख सकते हो ये छोटा सा एक शेर है, मुझे लगता है यहाँ पर पहले कोई बोली थी, यहाँ पानी आता था, क्योंकि शेर के मुँह में आप देख सकते हो छोटा सा यहाँ पर होल किया हुआ है, मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ पर पहले पानी हुआ करता था। सो इस इलाके में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर जो कुएँ हैं बहुत है, क्योंकि सामने का व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर लोगों ने अपने खेतों में धान लगाए हुए हैं, अल्टीमेट उनका व्यू आ रहा है। ये थोड़ा इलाका है जो नीचे प्लेन की तरफ आता है, बहुत ही अमेजिंग इसका व्यू आ रहा है। अगर मैं मंदिर की खूबसूरती की बात करूं तो क्या ही बोले दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट यहां का व्यू आ रहा है। सो जितना भी ये मंदिर के अंदर एरिया आता है उन्होंने सारा अपने साइड पर फेंसिंग लगाई हुई है, जो भी मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर आता है। सो एक बार मंदिर की फिर से मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही गजब इसका व्यू है गाइस। वो सामने आप देख सकते हो पूरी इंस्ट्रक्शन लगी हुई है, कोई भी अननोन पर्सन हमारी तरह आता है तो वो किसी को पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे ही पढ़ लेगा कि इसकी क्या प्राचीनता है। सो सामने आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक शेर के आकार की एक छोटे से स्केच ऐसा बनाया हुआ है, ये छोटा सा एक मंदिर होगा मुझे लगता है पहले। बहुत ही अच्छा जो इसकी दीवार है बहुत ही इनोग्रेटेड की हुआ है, ग्रीक आर्ट का ये मुझे लग रहा है पूरी कारीगरी है। जो इस स्ट्रक्चर है ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, और वो सीमेंट का भी इस्तेमाल कर रहा है, उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं होता था। ये बाहर की लोकेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इस मंदिर के बाहर में एक छोटा सा ये गार्डन सा है। सो आप कभी भी फैमिली के साथ आए तो यहाँ पे चटाई वगैरह डाल के यहाँ पे बैठ सकती हो। ये सामने आप देख सकते हो ये शेर की मूर्ति की आकार की एक छोटा सा इन्होंने स्केच ऐसे बना हुआ है कारीगरों ने, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। सोचने वाली बात है कि पहले के टाइम में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, उस टाइम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ होना था, टेक्नोलॉजी होती बहुत कम थी गाइस, लेकिन उस टाइम में भी जो कारीगर थे वो अपना काम भरपूर तरीके से करते थे। और कितनी आकर्षक ये एक स्केच बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर मुझे लगता है पहले बहुत ही पानी हुआ करता था नेचुरली तरीके से, क्योंकि शिवलिंग वगैरह थे, ये शिव भगवान को ये टेम्पल जो डेडिकेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जो नालियाँ पोल जैसे बने हुए हैं, वाटर पैसे यहाँ पर बने हुए हैं अंदर से, मुझे लगता है पहले बहुत ही पानी आया करता था बाहर, शिवलिंग हुआ करती थी। सो
ब्लॉग में जुड़े रहें, अभी आपको एक और मंदिर में लेके जाएंगे हम। सो गाइस, अगर मैं बात करूं अभी तो यहाँ पे कोई भी शिवलिंग या कोई भी मूर्ति हमें ऐसी नहीं दिखी, लेकिन ये जो मंदिर था ये बहुत ही प्राचीन एंशिएंट मंदिर है। पहले यहाँ पे शिवलिंग हुआ करती थी, अब वो गांव वालों का कहना कि अब वो गायब हो गई है, टूट गई है, लेकिन ये टेम्पल है, ये शिव भगवान को डेडिकेट करा हुआ है। अभी यहाँ पे जो कबूतरों के घर ही बचे हैं खाली, आस पास जो मंदिर थे यहाँ पे मूर्ति विराजमान थी वहाँ पे कुछ भी नहीं, अभी खाली पड़े हुए हैं। आसपास की आप लोकेशन देख सकते हो, बिल्कुल ये कॉरिडोर है जो बिल्कुल खाली है गाइस, यहाँ पे खाली कबूतर ही कबूतर रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है वो बीच बीच में बची हुई है। जो यहाँ की दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि उनमें जो ग्रीक आर्ट का इन्होंने इस्तेमाल करा है कारीगरों ने, वो काफ़ी लाजवाब है, काबिल तारीफ है। आप देख सकते हो मंदिर का जो फ्रंट वाला पोर्शन है, देख सकते हो जो इसके ऊपर जो सीलिंग है वो आधी टूट गई है, आधा सा इसका जो ऊपर कॉरिडोर है वो बचा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट मंदिर है। सो जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको हिस्टोरिक, इसको फेंसिंग वगैरह तो आसपास लगाई है, लेकिन इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्टेड नहीं किया है। सो मैं यही गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि इसको दोबारा से बनाए, क्योंकि ये बहुत ही गजब का जो टेम्पल है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इसको अच्छे से इनोग्रेट करवाएगी तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बन सकता है और रिलीजियस प्लेस भी। फ्रेंड्स, अगर लिटरली मैं आपको बताऊं तो जब भी कोई रिलीजियस प्लेस पे जाता है तो रिलीजियस प्लेस पे जाके हमारा क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ही काम आसपास का इन्वायरमेंट होता है, पीसफुल होता है, वहाँ पे जाके इंसान अपने सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह भूल जाता है। सो आप जब भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आए, अब जितने मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर मेरे को देख रहे हैं, जब भी आप J&K में आएँ तो मनवाल की लोकेशन में ज़रूर आएँ। सो यहाँ का अगर मैं व्यू की बात करूँ तो मुझे दोबारा से कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि कैसे यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है जो कि शिव भगवान को डेडिकेट कर रहा है। सो आप यहाँ पे आके भगवान शिव के दर्शन करें, हालांकि अभी यहाँ पे कोई भी शिवलिंग वगैरह नहीं बचा है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो एंशिएंट टेम्पल है। फाइनली मैंने इसकी पूरी कवरेज कर ली है इस टेम्पल की, हालांकि बड़ा बहुत बड़ा टेम्पल नहीं है, छोटा सी है, लेकिन जैसा भी है बहुत ही हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है। ये जो आइडिया था यहाँ पे मनवाल आने का और शिव टेम्पल को कवरेज करने का और यहाँ के दर्शन करने का, ये अभित भाई का था, क्योंकि मैं ऐसे ही उधमपुर में घूमने आया था। सो भाई ने बोला कि भाई तू आज ऐसे भी तेरे को कोई काम नहीं है, चल मैं तेरे को अच्छे से लोकेशन में आता हूँ। भाई ने मेरे को सरप्राइज़ दिया, हालांकि यहाँ पे एक और भी ऊपर एक पार्क था छोटा सा, वहाँ पे भी टेम्पल था, हालांकि COVID-19 की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो बंद है, सो वहाँ पे हमें नहीं जाने दिया। सो ये जो मंदिर है यहाँ पे बिल्कुल पीस एंड कॉम इन्वायरमेंट है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है गाइस। सो अभी हम आपको एक और टेम्पल में लेके जाएंगे, आई होप कि आपको ब्लॉग में मज़ा। हमने जो भगवान शिव के मंदिर की पूरी कवरेज कर ली है और कवरेज करके हम जा रहे हैं अब दूसरे टेम्पल में, हालांकि हम यहाँ पर पहली बार आए, हमें उस टेम्पल का कोई भी अता पता नहीं है। सो यहाँ पर आस पास के जो लोग हैं विलेजर्स, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे एक और टेम्पल है, उसकी कवरेज करके आपको दिखाती है मंदिर के बाहर। सो अभी एक दूसरा मंदिर है यहाँ पे, वो भी एंशिएंट मंदिर है, टेम्पल है, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है, उसकी पूरी कवरेज करके आपको आपका ब्याज दिखाएगा। ऐसे ही ब्लॉग में जुड़े रहें कि जो भी प्राचीनता है वो इस बोर्ड पे इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, डेरा बबोर मंदिर। सामने आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सो गाइस आप पूरी यहाँ की जो हिस्ट्री है इस मंदिर की पूरी मैंने कैप्चर कर दी है अपने ब्लॉग में, आप आराम से विस्तार से इसको रीड कर सकते हो और इसकी जो विशेषता है टेम्पल की वो पूरी जान सकते हो। जहाँ पर मैं अभी जस्ट खड़ा हूँ इस लोकेशन से पूरे मंदिर की जो शिव टेम्पल है पूरी कवरेज हो जाती है। सो मैं अपने फ़ोन को आहिस्ता से रोटेट करूंगा और सामने आप देख सकते हो पहाड़ों पे जो फॉग है वो छाई हुई है, कभी भी यहाँ पे बारिश पड़ सकती है। सो यहाँ से जस्ट ऊपर एक स्टेयर से आती है, स्टेयर से ऊपर मंदिर है। सो मंदिर के दर्शन करके आया तो मुझे लगी थी प्यास, तो सामने यहाँ पे एक छोटा सा कुआं है, हमें एक भाई दिखा जहाँ का लोकल है, सो उस भाई को बोला कि हमें थोड़ा सा पानी पिला देना भाई। सो भाई ने हमें पानी पिला, जस्ट यहाँ पे भाई ने पानी भर के दिया कुएं से। सो ये हमारा भाई है। सो भाई आपका नाम क्या है? तशव है। यूट्यूब यूज़ करते हो आप? अपने आपके भाई का जो चैनल है इट्स थर्मट है, ठीक है, आपको हम ब्लॉग में डालेंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ऐसे? आपकी वीडियो डाल सकते हैं? ठीक है, डाल देंगे। ओके भाई, थैंक यू। भाई ने हमें जस्ट यहाँ से पानी पिलाया, सो थैंक यू भाई। ठीक है, हमने पहले वाले मंदिर की पूरी कवरेज करके आपको दिखा के अब हम जस्ट दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। सो यहाँ पे पूरा नोटिस लिखा हुआ है। सो ये आप सामने रास्ता देख सकते हो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, इसका गजब ही अल्टीमेट यहाँ का व्यू आ रहा है। सो आपको पूरी कवरेज करके दिखाते हैं। सो हालांकि हम भी इस प्लेस में पहली बार आए हैं, क्योंकि अभित भाई ने रिकमेंड करा कि भाई यहाँ पर चलते हैं। सो आसपास की अगर मैं व्यू की बात करूँ तो मुझे कोई भी बताने की लोड़ नहीं है गाइस। सो आप सामने देख सकते हो बहुत ही गजब का रास्ता है और आसपास में रास्ते के जो पक्का रास्ते हैं, नीचे गली ऐसी बनी हुई है और आसपास में जो साइड पे यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं उनकी जो अट्रैक्शन है क्या ही बोले दोस्तों। आगे जाके मंदिर की पूरी कवरेज आपको करवाते हैं।
तो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच गया हूँ काला देरा टेम्पल में, जो कि शिव को डेडिकेट है भगवती टेम्पल की तरह, और जो पीछे आपको मैंने दिखाया टेम्पल उसकी तरह। हालांकि ये टेम्पल आप देख सकते हो, सो मैं आपको दूर से ही दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो ऑफिसर है उनकी ड्यूटी है, उन्होंने हमें बोला कि ग्रीन बेल्ट पार्क जो जम्मू में है, आपको इसकी पूरी कवरेज करने के लिए वहाँ से परमिशन लेनी होगी। हालाँकि हम रूल को पूरा फॉलो करेंगे। और आस पास का आप जो मौसम देख सकते हो, यहाँ पर जो यहाँ पर पेड़ है, पेड़ के नीचे जो बैठने की कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी है। आप जब भी फैमिली के साथ है यहाँ पे चटाई डाल के बैठ सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ का एरिया है। सो दूर से ही मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ उस टेम्पल को। सो हालांकि इसके ऊपर में जाके आपको कवरेज करके नहीं दिखा सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। सो गाइडलाइन को हमें पूरा फॉलो करना होगा गाइस। सो अभी एक आगे टेम्पल भी है, उसको मैं दूर से ही दिखाऊंगा क्योंकि जितने भी यहाँ पे टेम्पल है उसकी दूर से ही कवरेज करके आपको मैं दिखा सकता हूँ गाइस। सो इस पेड़ के नीचे जो बेंचेस लगे हुए हैं वहाँ पर बैठने की पूरी कैपेसिटी है। सो यहाँ पर जो टेम्पल है, इसका जो टेम्पल का नाम है काला धारा टेम्पल है। सो दूर से आप देख सकते हो, जब भी यहाँ पर आओ, हालाँकि फोटोग्राफी करना अलाउ है, लेकिन जो जितने भी ब्लॉग वगैरह आप कुछ भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर चढ़ाते हो तो ऑफिसर हमें कह रहे थे उसके लिए आपको स्पेशल जो परमिशन लेनी पड़ती है जम्मू से। सो एक और टेम्पल है यहाँ पे आगे, उसकी कवरेज करके दिखाऊंगा। हालांकि वहाँ पे भी मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा, दूर से ही आपको दिखाऊंगा। एक टेम्पल आपको मैंने पीछे दिखाया काला धरा टेम्पल, और एक टेम्पल जो फर्स्ट वाला टेम्पल था और ये सेकेंड वाला टेम्पल है। सो ये जो टेम्पल है बहुत ही एंशेंट टेम्पल है, और इस टेम्पल के बाहर मुझे लगता है एक नंदी बैल जी की वो मूर्ति वगैरह है। सो पीछे जो इसके मुझे लगता है अभी तो यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, पहले यहाँ पे शिवलिंग हुआ करता था। सो अंदर से जैसे जल वो चढ़ाते थे तो बाहर आता था, और यहाँ पे एक छोटा सा कुआं भी है। तो गाइस अभी मैं जस्ट जो देरा टेम्पल सेकंड था काला वाला, काला देरा टेम्पल, वहाँ के मैं दर्शन करके आया। हालाँकि आपको मैं अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है। सो अगर हमें पहले पता होता तो हम परमिशन ले लेते ग्रीन बेल्ट जो इनकी पार्क की टीम है उनसे। हमें नहीं पता था तो हमने दूर दूर से कवरेज करके आपको सारा बता दिया है। सो जो जो मेन ये गार्डन है, सो इसकी कवरेज कर सकते हो गाइस। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप कि आपने इंजॉय करा होगा। हालांकि हम आपको मंदिर के अंदर नहीं ले जा सके, बहुत ही अच्छा व्यू था। हालांकि वहाँ पे कोई भी अभी मूर्ति वगैरह नहीं बची हुई है क्योंकि ये 10वीं शताब्दी के टेम्पल है। सो इनको इनोग्रेटेड दोबारा नहीं करा है गवर्नमेंट के द्वारा। सो जैसा भी यहाँ का आसपास का जो मौसम था, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, व्यू था, बहुत ही अल्टीमेट। ये था आज का ब्लॉग आपके भाई का। सो आपके भाई ने आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मनवाल टाउन है, जो वहाँ पर हिस्टोरिक मोनूमेंट्स टेम्पल है भगवान शिव के, उसकी कवरेज करके दिखाई। हालांकि मुझे माफ़ कर देना दोस्तों क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली थी। सो मैंने आपको खाली बाहर से आपकी कवरेज करके दिखाई जितने भी टेम्पल थे यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम आपका भाई आएगा तो ग्रीन बेल्ट पार्क वाली जो अथॉरिटी है उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपने इंजॉय करा होगा ब्लॉग, अगर इंजॉय करा तो लाइक शेयर कमेंट करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी भाई के चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भाई को जाके वहाँ पर सपोर्ट करें, अपने भाई को भी सपोर्ट करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, राम राम।